द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं dsadaknama.com। आज हम पहुंचे हैं रानिया हल्का के करी वाला गांव में। यहां हम जानेंगे लोगों से चुनाव को लेकर क्या माहौल है, चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहां। माहौल जरा ठीक है, वधिया है। और माहौल नु तो ऐसा कोई नहीं गा भी लोगों ने पानिया ने वोटा है, पर जेड़े सारे ठग लगे फिरते ने, कोई किसी का स्वार्था नहीं गा। बस आप अपना ही ढेड भरते ने। सड़कां ने चार छेरे टुटिया, तुम आई जो वेख लिया ने, इधर जाओ टुटिया, इधर बनी नहीं जाओ टुटिया, मजा थे जाओ टुटिया। आप मजबूत ने तो किसे मान, वेखो जी जो कम करेगा वह मजबूत है। कम नहीं देखना, अस जिमीदार बंदे हाँ, साडा काम होना चाहिए, जो काम करेगा तो साढ़े वास्ते वही मजबूत है। तो चौधरी रणजीत सिंह का क्या रहेगा सर? ठीक है जी, वधिया वधिया कैंडीडेट ने। चलो काम वाले ने सुनते ने गलबात, जाके यदि कोठी जी जाइए, चलो भी गल सुनते आ, जितों तक उन्होंने रुझान है वधिया जी। हाँ जी, विकास वगैरह कितना आपके गाँव? विकास तो तुम देख लो भी, सड़क थोड़ा जहा दिक्कत ज्यादा है, सड़क टुटिया हुई ने। जो खट्टर सरकार के पुल मंजूर होया, इधरों घग्गर बांध का सड़क मंजूर हुई है, तो वो उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। भी छे महीने उत्ते हो गए, राणिया आए से उदो लॉस करके गए से, तो अजे तक कुछ नहीं होया। माहौल क्या है? माहौल वधिया है जी, बहुत वधिया है। विकास कितना का सर आपके? विकास ठीक होया जी। नशा वगैरह कितना का सर आपके? नशा काफ़ी है जी। हाँ, सरकार वगैरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, सरकार नहीं कर रही। सरकार तो सगो उन्होंने जोड़े बंदे जुड़े हुए ने ना, उन्होंने सरकार सगो शह प्राप्त है। पुराने बंदे जुड़े हुए ने, उन्होंने अफसर उन्हों की जान पछाण है। जेडे कुछ पुलिस के मुलाजम ने, वो खुद जाके उन्होंने को नशा करके आते हैं सवेरे। चुनाव को लेकर माहौल में हमें तो वैसे ये लगता है कि जननायक जनता पार्टी इस बार मैम 40 प्लस सीट लेकर जाएंगी जी, तो बीजेपी का सत्र नीचे आया, क्योंकि जैसे चलान वाला सिस्टम किया हुआ है इसने, तो वो चलान करके लोग जितने तंग आए हुए हैं, जैसे भी 10,000 का मोटरसाइकिल और 15,000 के चलान हो रहे हैं, और आपने देखा होगा भी लोग बीच में फूंक रहे हैं अपने मोटरसाइकिल, इसी कारण बीजेपी थोड़ा सा डाउन आई। और नशा तो मैम था, जिस तरह रोक हमारे गांव ने लगाई है जी नशे के ऊपर, काफ़ी फर्क आया जी। अब नौजवान पीढ़ी काफ़ी इससे बच रही है जी, जितना भी हो सका हम गांव वालों ने इस पर किया विचार, और सभी इकट्ठे होकर हमने इस पर मैंने आरोप लगाया है जी, जितना होना। और इंचार्ज चौकी के उनको भी हमने कहा भी, जो जहां पर आपको कोई भी शंका के आधार पर लोग देता है, जो बेचता है, जहां जो खरीदता है, उसको पकड़कर आप सीधा जाओ, गांव का कोई भी आदमी उसका चलान देने नहीं आएगा। आप मजबूत नेता किसे मान? मजबूत नेता तो साडी गरीब दा इस टाइम कोई भी नहीं जीगा। बीजेपी सरकार वेख रहा है, जो रोड तुम आए हो गए सरसे तो, रोड वेख्या रात में, कोई भी मरीज लिजा के इतों सरसे पहुँचा नहीं सकता टाइम पर, घट्टो घट्टी 1.5 घंटा लगता, 40 मिनट का राह। तो चिट्टा इस पिंड करो करो, जिदे करो मर्जी ले लो, इस सरकार इन्ना चिट्टा विक रहा, पोस्ट ले लो, फीम ले लो, जो मर्जी नशा ले लो, इन्नी गंदी सरकार है। सरकार वगैरह या पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं कर? पुलिस जा गया आते पिंड वाले, पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई गेड़ा नहीं किसी के घर मारते, जिन्ना मर्जी ना कोई फड़दा ही। सानू तो कोई चंगी सरकार मिले जेडे नशे ते रोक लावे, कोई चंगी सरकार बने, कोई नौजवान। चंगी सरकार केड़ी है? कोई भी बांझे, जे जे भी बांझे, नैलो बांझे, एदा गाड़े इत्थे आए वारी जितदे ने, अगे कोई भी अगे आ जाए नवा चेहरा वोटा पावांगे, पर इन्हां दोवां सरकारां नूं नहीं पावांगे, ना कांग्रेस नूं ना जे जे पी। बीजेपी दा ना ही बिल्कुल ही झोबड़ा ही साफ होना चाहिए जी, जिड्डी गंदी सरकार ये वड्डे कच्छे वाले तो लैके बह गए देश में। हाँ जी, पता ही है तुहानू, इतों जाओगे जाके इस तो करी वाले किसी पासे भी तुर पो, वणी नूं तुर जो तां, एलनाबाद नूं तुर जो तां, सरसे नूं तुर जो तां, हनुमानगढ़ नूं तुर जो तां, हर रोड तुहानू टुट्टा ही मिलेगा, कितने तुसीं 1 किलोमीटर भी साबित नहीं जा सकते बिना खड्डे तो आले। मैं तो कांग्रेस का हूँ जी, कांग्रेस को ही मानता हूँ। हाँ जी, विकास कितना का सर है सर? अब विकास तो कांग्रेस ने बहुत कराया, मनमोहन सिंह हुड्डा ने बहुत विकास कराया, ये इन्हें बीजेपी ने क्या किया? कोई सड़क देख लो, कुछ देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी मैडम उस टाइम बोलते थे भी महंगाई है, डीजल पेट्रोल, तो अब देख लो डीजल पेट्रोल, प्याज का रेट देख लो, किसान की यूरिया DAP खाद का रेट देख लो। 70 साल में सबसे बेकार सरकार बीजेपी सरकार, हम मानते हैं।
ये नहीं आनी चाहिए और कोई आ जाए। चौधरी रणजीत सिंह का क्या रहेगा सर इस बार? अच्छा आदमी है, बने तो अच्छा है। पैसा वगैरह कितना का आपके गाँव है? हम तो खाते नहीं, खाई जाए, पैसा है तो खाते हैं, क्यों पैसा होगा तो खाएंगे, खाएं हमें क्या है। नशे से नहीं कोई लेना देना, सरकार से लेना देना। सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी मोदी मोदी, काम क्या किया है? आप देख रहे थे रात अमेरिका में क्या हो रहा था, हाँ तो यहाँ क्या किया है? बातें ही बातें हैं, बातों से ही बन रहे हैं, बातों के सिवाय तो कुछ नहीं। फिर 70 साल में सबसे बेकार सरकार बीजेपी सरकार है, हाँ जनसंघियों की सरकार है ये। बलात्कार इनके नेता ही कर रहे हैं कि और कर रहा है कोई है? कभी नित्यानंद, कभी उन्नाव कांड, कभी कोई, कभी कोई। मजबूत नेता किसे मानते हैं? रानियाल कहने जी, मजबूत नेता तो इस समय कोई भी नहीं है जी, क्योंकि लोगों को कोई समझ नहीं आ रही कि किसको वोट डाले। बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने रानिया और ज्वेलनाबाद हलका है इस क्षेत्र से अनदेखी की है, क्योंकि इधर भी एमएलए उनका नहीं जीता पिछली बार और इधर भी नहीं जीता। आपने देखा होगा जीवन नगर से बनी और बनी से तलवाड़ा रोड, इतने खड्डे हैं कि आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी समस्या है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो चिट्टे का सेवन हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में आया है, उससे पहले नशे तो थे लेकिन ये चिट्टा जो भयंकर नशा है जिसने इस एरिए के नामधारी क्षेत्र है हमारा, नामधारी क्षेत्र के जो युवा हैं उनको चिट्टे ने इतनी बुरी तरह लपेट रखा है कि हर घर में इस सरकार के समय चिट्टा पहुंच गया है और नशे से लोग बहुत तंग हैं। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए, कोई ऐसा नेता आए जो इस नशे से लोगों का छुटकारा हो और जो हमारी सड़कें हैं, जैसे किसान इधर ज़्यादा लोग किसान हैं, किसान अपनी फसल लेकर जाते हैं तो रास्ते में उनके साधन पहुंच नहीं पाते, रास्ते में रह जाते हैं। लोगों को इधर विकास बिल्कुल नहीं हुआ, पहले से भी कम हुआ है दूसरी सरकारों के टाइम में भी और अब तो बिल्कुल ही बहुत कम हुआ है।